ये वीडियो बनाने के लिए पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे जाके ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करके आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। मैं भी यहाँ एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो सनग्लास है उसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमें इरेज़ करना होगा, तो उसके लिए हम ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाके इरेज़ का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो सनग्लास का जो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है ये मैं हटाऊँगा यहाँ से, यानी कि इरेज़ करने वाला हूँ। तो देखिए मैं कैसे इरेज़ करता हूँ। ये जो बैकग्राउंड इरेज़ करना होगा ये बहुत ही ध्यान से करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि बाहर का कोई भी चीज़ इरेज़ ना हो, तो पिक्चर सही से नहीं आएगा। इसीलिए तरीके से मैं सनग्लास का जो दूसरा पोर्शन है वो भी मैं इरेज़ कर दूंगा बैकग्राउंड। और ये जो वीडियो है ये थोड़ा मैं तेज़ दिखाऊँगा ताकि ये जो वीडियो लंबी ना बने। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड इसके बाद देखिएगा बैकग्राउंड हो गया है मेरा इरेज। अब मैं सेव कर लूँगा इस वीडियो को। अब हम काइनेमास्टर ओपन कर लेंगे एंड ये जो प्रोजेक्ट का जो रेशियो होगा वो होगा 16:9। अब हम काइनेमास्टर के अंदर एक समुंदर का वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे। तो समुंदर का वीडियो इंपोर्ट देखिए मैं कर रहा हूँ। तो हो चुका है एक समुंदर का वीडियो इंपोर्ट। तो इसके बाद हमने अभी अभी जो पिक्चर एडिट किया है पिक्सआर्ट में वो भी एज अ लेयर हम काइनेमास्टर के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। इस पिक्चर को इंपोर्ट करने के बाद इस पिक्चर का जो ड्यूरेशन है वो हम लंबी कर देंगे इस समुंदर का जो वीडियो है उसके पैरेलल ही। तो अभी हम ये जो पिक्चर है उसको रिसाइज कर लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा स्क्रीन कवर कर जाए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सनग्लास के थ्रू हमें बैकग्राउंड का जो समुंदर है वो भी दिख रहा है, तो ये अपने आप में एक एनिमेशन है। अब हम ये जो समुंदर है उसका कलर पंची बनाने के लिए विविध ऑप्शन में जाके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एनिमेशन है वो जूम का एनिमेशन वो हम कर लेंगे। उसके लिए हमें ये लेफ़्ट साइड में डिलीट के ऊपर जो एक एनिमेशन का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ये प्लस में क्लिक करके आप जितना देर तक चाहते हो कि ये एनिमेशन ना हो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे उसका पोजीशन। तो और उसके बाद जब ये एनिमेशन पूरा का पूरा ख़त्म होने वाला है उस पॉइंट को हम पिन कर देंगे और ये जो फ़ोटो है उसको 2 उंगली से पकड़ के जूम कर लेंगे। आपको ऐसे जूम करना होगा ताकि ये जो सनग्लास है इसका कोई भी पोर्शन या फिर कोई भी पार्ट इस वीडियो या फ्रेम के अंदर ना रहे। अब हम वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि वीडियो कैसा बना। तो यहाँ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एनिमेशन बहुत ही बेहतरीन बन चुका है अभी अभी। तो देखिएगा कि जूम होके ये फ्रेम करीब आ रहा है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो स्लोली या फिर ग्रेजुअली रिवील हो रहा है। अब हम इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे सी बीच करके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़, पोजीशन एंड इसका जो अल्फ़ाबेट का स्टाइल है ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं ये जो टेक्स्ट है इसका अल्फ़ाबेट का जो स्टाइल है वो चेंज कर दूंगा यहाँ पे और इसको थोड़ा ऊपर सेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट का जो इन एनिमेशन होगा वो मैं फेड सेलेक्ट करने वाला हूँ और इस टेक्स्ट का जो आउट एनिमेशन होगा वो भी मैं फेड सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब एक बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि वीडियो ओवरऑल कैसा बना। ये जो एनिमेशन है वो पहले ही बेहतरीन था। अब ये जो टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसका जो वीडियो है, बैकग्राउंड का जो वीडियो है वो भी बेहतरीन बन गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।